बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी फिश। ये मैंने फिश ली है रहू। इसको मैंने अच्छे से सॉल्ट लगाया था और फिर सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया पानी के साथ, और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया 2 घंटे के लिए। ठीक है, ये मैंने 2 फिश ली है। इसका वजन बनता है तकरीबन 3 किलो तक। ठीक है, अब हम लगाएंगे मसाले इसको देसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, ये है जीरा। पहले हम दोनों को अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। बहुत ज्यादा बारीक करना है क्योंकि इससे आपका जो टेस्ट है वो अच्छा बनेगा। ये नेचुरल वे है, इससे आपकी जो है फिश का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरह बना के देखिएगा, जो जग में होता है वो बहुत ज्यादा ग्राइंड हो जाता है। आपने इस तरह इसको बनाना है देसी तरीके से, और फिर आपकी फिश देखना कितनी अच्छी बनेगी। देखिए जी, हमने इसको इस तरह से बारीक कर लिया है। बहुत ज्यादा बारीक करना है आपने। ठीक है, चलो जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 लहसुन के गड्ढे हैं ये। ठीक है, आपने अच्छे से इसको छील लेना है, ये डालना है, और इसमें 3 इंची डालनी है अदरक। इस तरह काटना है आपको सानिया के पीसने में। आपने इसी तरह ही मसाले करनी है सीक्वेंस, खुद से अपने ऊपर नीचे नहीं करनी। इसको अच्छे से कूट लें। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनेगा आपका फिश का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। इससे आपका जो है हाजमा भी ठीक हो जाएगा पेट का, और जो दिल करता है जैसे मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें आप इस तरह की फिश बना के खाएंगे तो आपका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। देखिए जी, अब हमने इसमें अच्छे से कूट लिया है अदरक, लहसुन, जीरा और अजवाइन। ठीक है, इस तरह हमारा पेस्ट बन गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे सब्ज मिर्चें, 7 से 8 अद आपने ऐड करनी है, और हरा धनिया। हरा धनिया इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे बस। ठीक है, अब इसको आपने अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इसी सीक्वेंस से कि आपने मसाला रेडी करना है। ठीक है, फिर आपका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, हमने इस तरह इसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी लेकिन आपको टेस्ट भी वैसे ही मिलेगा, बहुत ही अच्छा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सॉल्ट, ये है 1 टेबल स्पून भरा हुआ, यह 2 टेबल स्पून भरे हुए लाल मसाले के। ठीक है, कुटा हुआ लेना है आपने। यह धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, यह हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, ये लेना है आपने 1/2 लेमन। इसका थोड़ा सा हम जूस डाल देंगे, इससे आपका जो फिश है बहुत ज्यादा अच्छा मैरिनेट होगा। आप इसको 2 से 3 घंटे के अंदर भी खा सकते हैं। देखिए जी, हमने इस तरह इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही की। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। दही थोड़ी सी कम लग रही है, हम इसमें 1 प्याली और ऐड कर देंगे, क्योंकि फिश जो है हमारे 3 किलो है, तो इसके हिसाब से मसाला भी वैसे होना चाहिए। देखिए जी, हमारा बहुत ही जबरदस्त सा मजेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको फिश को लगाएंगे। इस तरह आपने पेस्ट बना लेना है, फिर आपने लेनी है फिश। फिश को आपने इस तरह डिप करना है बीच में, क्योंकि ये मसाला जो है बहुत ही ज्यादा, आप इस तरह कह रहे हैं कि बहुत ही पुराना मसाला है। हमारी नानी दादी वगैरह ये लगाते रहे हैं, ये हमारी खाला से हमारे कजन वगैरह लगवाते हैं, तो मैंने कहा है कि आपके साथ भी जो रेसिपी मैं शेयर कर दूँ। इसको हम इस बाउल में रख देंगे। ठीक है, चलो जी, हमारी फिश जो है रेडी हो चुकी है, मैरिनेट के लिए रख देंगे इसको हम। ठीक है, आप इसको 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं और कुछ घंटों के लिए भी रख सकते हैं।